हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और ये शेयर कहां तक जा सकता है, क्या इसमें इतना कैलिबर है कि आपको करोड़पति बना सकता है, तो उसी चीज़ से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और भी दूसरे लोगों को हमारे इस चैनल के साथ कनेक्ट करें, ताकि वो भी इस वीडियोज़ को देख के आगे बढ़ सके और नॉलेज ले सके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और एज वेल एज बात करें तो अभी देखिए, ऑक्सीजन के नाम पर एक कंपनी है, ओके, बस केवल ऑक्सीजन नाम लिखा हुआ था कंपनी में पीछे, तो वो शेयर इस तरीके से भागा था कि आपको 250% तक के रिटर्न दे दिए थे और अब लोअर सर्किट लग गया और फ्रॉड हो गया। वो ऑपरेटर का एक तरीके का गेम है। और ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई कंपनी से रिलेटेड आपको पता करना है, बटन पे लिंक दे दूंगा। बाकी ऑक्सीजन और बनाने वाली और ऑक्सीजन गैजेट बनाने वाली कंपनी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे। अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराए, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पर एक और लिंक है श्री राम जी का अयोध्या मंदिर बन रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार जो दान देना चाहे आप दान दे सकते हैं और मंदिर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो देखिए, जिस कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले, डिक्सन टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है फिलहाल में ही इसने स्प्लिट दिया और काफ़ी अच्छा स्प्लिट दिया था 1:10 का, तो आपके जो एक शेयर था वो 5 में तब्दील हो गया था और उसके बाद शेयर गिरता हुआ हमें नज़र आया था। अगर हम यहाँ पर एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लें तो लगभग 4,400-4,500 रुपये पर यह शेयर गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,400 रुपीज तक शेयर गया था और उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ हमें नज़र आया अच्छा खासा, और काफ़ी टाइम तक इसने कंसोलिडेशन किया था। और मैंने बीच में वीडियो ही बनाई थी, लगभग 3,400 के आसपास चल रहा था और मैंने आपको कहा था एक्युमुलेट करिए शेयर को, ओके, काफ़ी अच्छा प्राइस पे आपको मिल रहा है, फिर इस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा क्योंकि भागता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उस सेगमेंट में काफ़ी स्कोप है और अच्छी अच्छी उसमें न्यूज़ आ रही है और सारी इसी कंपनी के फेवर में आ रही है, जो कि जिससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके पास है, अगर बात करें तो 2017 में 531 रुपये के आसपास शेयर हुआ करता था। और अगर देखें यहाँ पर क्या रिटर्न दिए इस कंपनी ने, तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ पर देता हुआ नजर आया है। वन डे का चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिटर्न, वन वीक का पॉजिटिव, ओके, अगर बात करें यहाँ पर एक साल की तो लगभग 400% के रिटर्न, और दो साल में 800% के रिटर्न, और तीन साल में 480% के रिटर्न, इस तरीके के बेहतरीन रिटर्न कंपनी आपको देती हुई नजर आई है। प्लस में स्प्लिट दिया है वो अलग है। तो इस कंपनी से रिलेटेड मैं बातें क्यों कर रहा हूँ वो हम आगे चलेंगे बताऊंगा मैं आपको। अगर बात करें 52 वीक लो की, तो लगभग 3,345 रुपये का 25 मार्च को ये शेयर आ गया था। उसके बाद मैंने उस टाइम वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया भी था। और अगर बात करें 52 वीक हाई की, तो देखिए 15 मार्च को ये 21,499 रुपये तक ये शेयर गया था, जब यहाँ पर स्प्लिट से पहले। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 46% की डिलीवरीज बेसिस पे यहाँ पर शेयर उठाए गए हैं। अगर बात करें 2,70,000 के लगभग शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कंपनी इज बेहतरीन कंपनी। अगर बात करें प्रमोटर्स के पास होल्डिंग अच्छी है, एफआईआईज ने भर भर के शेयर खरीद रखे हैं। यहाँ पर देखें तो देखिए स्प्लिट यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, कंपनी आपको डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है, कोई भी स्टॉक इनका गिर भी नहीं है, तो सारी की सारी पॉजिटिव न्यूज इसी कंपनी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट तो कंपनी ने यहाँ पर एक बार स्प्लिट भी देते हुए नजर आई है। और अगर हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स इसके देख ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छा है, मिड कैप कंपनी है और अभी मिड कैप है, बट आगे चल के ये लार्ज कैप डेफिनेटली बढ़ने वाली है। अगर बात करें आरओसी की, 33 के आरओसी से पैसा कंपनी आपको बढ़ा के दे रही है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो लगभग 18% का यहाँ पर डेट है कंपनी के पास, बट नॉट एन इशू, कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और अगर हम यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड बातें कर ले, तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो कंपनी की अगर ये प्रेजेंस की बात करेगी, कंपनी किस किस चीज़ में कहाँ पर प्रेजेंट है, तो मोस्टली आपको ये नॉर्थ इंडिया और यहाँ पर साउथ में कुछ जगह पर यहाँ पर प्रेजेंस होती हुई दिखाई देगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये कंपनी करती क्या एग्जैक्टली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट आप मुझे दीजिएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस किस कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स में काम करती है। तो कंज्यूमर गुड्स में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, जो कि आपको टीवी बनाती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी बनाते हुए, एज वेल एज अगर बातें करें कंपनी के, कंपनी एलईडी लाइट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और अगर इसके अलावा बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं होम अप्लाइंसेस, अगर बात करें मोबाइल फ़ोन्स कंपनी बनाती है, इन्होंने बोट से कॉन्टैक्ट किया है, तो ईयरफोन हेडफोन्स बनाती हुई नज़र आएगी। एज वेल एज यहाँ पर कैमरेज बनाती है, सिक्योरिटी कैमरेज होते हैं
वो बनाती हुई नजर आएगी। रिवर्स लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आते हैं उससे रिलेटेड कंपनी, सेटअप बॉक्स से रिलेटेड कंपनी। तो अगर बात करें, देखिए कुछ दिन पहले लाइटिंग से रिलेटेड अगर बात करें, कंपनी को PLI स्कीम देती हुई कंपनी सरकार नजर आई थी। एज वेल एज बात करें तो यहाँ पर मोबाइल फोन्स को PLI स्कीम के अंदर रखा गया है, या सिक्योरिटी गैजेट्स हो गए, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ये सारे PLI स्कीम, सेटअप बॉक्स, राउटर वगैरह से रिलेटेड कंपनी को उसके अंदर रखा गया है। तो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी को हर चीज़ में मतलब PLI स्कीम दी जा रही है, और कंपनी को फ्री में अगर बात करें PLI स्कीम का फ़ायदा क्या होगा, PLI स्कीम का फ़ायदा होगा कि ये जितना लोन लेना चाहते हैं वो कम इंटरेस्ट पर मिलेगा, इन्हें जो जगह मिलेगी ओके लैंड एक्वायर कर सकते हैं जिसमें जो कि उन्हें बहुत कम रेट पर मिल जाएगी। तो इस चीज़ का PLI स्कीम का अगर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। और बात करें भारतीय एंटरप्राइजेज, अगर बात करें एयरटेल की जिसे हम सब लोग जानते हैं, और डिक्सन, दोनों के बीच में करार हुआ है किस चीज़ को रिलेटेड लेकर, तो अगर बात करें तो ये कंपनी हमारी बनाती हुई नज़र आएगी राउटर, मॉडम, सेटअप बॉक्स ओके ये बनाती हुई नज़र आएगी, जिसमें से अगर बात करें 70% हिस्सा 74% हिस्सा प्रॉफिट का ये डिक्सन रखती हुई, डिक्सन होल्ड करेगी ओके, जॉइंट वेंचर है इन दोनों का। और बात करें 26% यहाँ सुनील मित्तल जो कि क्या कहते हैं भारतीय इंटरप्राइजेस के यहाँ पर मालिक है ओके, वो होल्ड करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए अच्छी खासी न्यूज़ हर बार इस कंपनी से रिलेटेड आ रही है, और ये कंपनी अभी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाली, और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगी। PLI स्कीम्स का हर सेक्टर में इनको फ़ायदा होता आ रहा है। सैमसंग के फ़ोन ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बोर्ड से इन्होंने करार किया है तो अभी ईयरफोन हेडफोन्स बनाते हुए नज़र आएंगे, मैन्युफैक्चर करते हुए नज़र आएंगे। अब इस कंपनी से इन्होंने करार किया है तो अगर बात करें यहाँ पर मॉडम वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ओके, राउटर से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड ये कंपनी बनाती हुई नज़र आएगी, एज वेल एज TV ये बनाती है, होम अप्लाइंसेज ये बनाती है ओके। तो ये सारी ये कंपनी देखिए हर सेगमेंट में काम करती हुई नज़र आती है। तो अगर लाइटिंग से रिलेटेड बात करें, लाइटिंग लगाती हुई ये कंपनी नज़र आती है, लाइट बनाती हुई ये कंपनी नज़र आती है। तो इस कंपनी को बिल्कुल छोटा मत आंकिए, ये कंपनी का देखिए स्टार्टिंग फेज़ है ओके, तो यहाँ पर तब भागती तब इस लेवल पर भाग रही है, बट एक बार कंपनी अच्छा खासा और भी अपने आप को एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाती हुई आपको नज़र आएगी। और जब ये पैसा कमाएगी तो ऑब्वियसली बात है शेयर होल्डर भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हुए दिखाई देंगे। अगर यहाँ पर क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखें तो सेल्स 534 करोड़ रुपए के सेल्स ओके विद इन 2 ईयर्स लगभग 1900 करोड़ के सेल्स में बदल गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 27 करोड़ का लगभग 93 करोड़ में चेंज हो गया है। नेट प्रॉफिट भी 14 करोड़ रुपए का 57 करोड़ में चेंज हो गया है। देखिए कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है और कंपनी भागती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की पिछले 10 साल के, 655 करोड़ रुपए की सेल्स हुआ करती थी, आज की डेट में 4500 करोड़ रुपए की सेल्स है। नेट प्रॉफिट आज से 10 साल पहले 15 करोड़ का था, आज की डेट में 243 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। अगर सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लगभग 138 करोड़ रुपए का यहां पर प्रॉफिट में तब्दील होते हुए नजर आया है। इसके अलावा रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास बेहतरीन रिजर्व्स है, 553 करोड़ रुपए रिजर्व्स है। बोरिंग की बात करें, कंपनी ने अभी फिलहाल में बोरिंग बढ़ाती हुई नजर आई है, यहां पर देख लीजिए सेप्टेंबर में 101 करोड़ रुपए का यहां पर बोरिंग थी। अगर हम बात करें दिसंबर की तो अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेम जा रहा है तो मतलब यही सेम दिसंबर में भी और मार्च में अभी जब रिजल्ट आएंगे सब चीज़ हमें आती हुई नज़र आएगी तो हमें और भी यहाँ पर अपडेट होता हुआ नज़र आएगा। तो उससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। बट कंपनी के पास बोरिंग है वो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है। इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है, कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 52 करोड़ रुपीज़ का कैश भी है। और अगर बात करें कंपनी ROC तो देखिए अच्छे खासे 33 के ROC से कंपनी पैसा बढ़ा रही है। प्रमोटर की बात करें, शेयर होल्डिंग तो लगभग 35% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। FIs की बात करें तो लगभग 19.84% की हिस्सेदारी FIs रख रहे हैं। DIs की बात करें तो लगभग 11% की हिस्सेदारी DIs रख रहे हैं। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में भी देखिए ये HNIs जो ये बड़े बड़े HNIs हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 16-17% की हिस्सेदारी ये रखते हैं और बाकी की हिस्सेदारी 15-20% की हिस्सेदारी यहाँ पर ये नॉर्मल पब्लिक रखती हुई रिटेल इन्वेस्टर रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंपनी काफ़ी फंडामेंटल
फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी लॉन्ग लास्टिंग है, इन्वेस्टिंग पर्पज से ही आप स्टॉक ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म का टारगेट कोई टारगेट नहीं होता, ओके कंपनी कहीं भी जा सकती है, अभी जो बात करें तो अच्छा खासा भागती हुई नज़र आ रही है, गिरावट पर भी भागती हुई नज़र आ रही है, और कभी इस तरीके की गिरावट और होती है और कभी कंपनी का शेयर और नीचे जाता है तो आपसे आई विल मस्ट से कि आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, आपको मल्टी बैगर और रिटर्न देती हुई नजर आएगी और अच्छी क्वांटिटी आप इसमें उठा लेते हैं अपने अगर उस पोर्टफोलियो के हिसाब से, क्योंकि एक शेयर में कभी पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ही अगर बात करें तो एक इंसान ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये खोए हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपये, समझ में आई, 1.5 लाख करोड़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1.5 लाख, 1.5 लाख करोड़ रुपये खोए हैं, उसके रिलेटेड अगर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहूँगा मैं कुछ फिलहाल, तो अगर बात करें तो इस शेयर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना है तो अच्छा खासा आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, बट हमेशा ऑलवेज रिमेंबर डोंट पुट एग्स इन द सेम बास्केट, ओके एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने, तो इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी इस बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिए, खुद की स्टडी कर लिए करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो much. God bless.